मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां श्रेया तिवारी की आत्महत्या का विवाद गहराता जा रहा है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रधानाचार्य और क्लास टीचर की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके विरोध में मंगलवार को प्रदेश के सभी निजी विद्यालय बंद रहे। इस बंदी को गलत बताते हुए अभिभावक महासंघ और अन्य सामाजिक संगठनों ने नगर में वेस्ली कॉलेज में जुलूस निकाला और नगर का भ्रमण किया। साथ ही अभिभावकों से बुधवार को अपने बच्चों को विद्यालय न भेजने की अपील भी की। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियों को पकड़ रखा था। जुलूस से पूर्व संगठनों ने वेस्ली इंटर कॉलेज गेट पर मीटिंग की, जिसमें यह तय हुआ कि बुधवार को डीएम को ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों की इस मनमानी पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। टीम गांधीगिरी के विवेक पांडे ने कहा कि निजी विद्यालय मनमाने तरीके से विद्यालय को बंद किए हैं। ये लोग तानाशाही तरीके से विद्यालय का संचालन करना चाहते हैं, जिसे हम नहीं होने देंगे। इसके लिए बुधवार को डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की जाएगी। युवा भाजपा नेता नीरज सिंह ने अपने बयान में कहा कि निजी विद्यालयों की तानाशाही है, उनके द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज इनके द्वारा गलत तरीके से पूरे प्रदेश के विद्यालयों को बंद रखा गया है। ऐसे में हमारी मांग है कि कल अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। नीरज सिंह ने कहा कि साथ ही अभिभावकों से अपील है कि निजी विद्यालयों की मनमानी का विरोध करने के लिए वे बुधवार को अपने बच्चों को विद्यालय न भेजें। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि एक जो अपने जिले में श्रेया कांड हुआ था, श्रेया कांड के बाद जो दोषी लोग थे वो जेल में चले गए, तो यहाँ बात खत्म हुई। अब न्यायपालिका पे हम लोगों को भरोसा था, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा एक बैग पूरे बोर्ड द्वारा आज पूरे यूपी में बंदी करके इसको इन्होंने एक अलग रुख देने का काम किया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसी के अपेक्ष में हम लोग ने ये कहा है कि जब 8 को वो बंद कर सकते हैं, तो 9 को अभिभावक अपने बच्चों को भेजने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब उनका मन करेगा वो विद्यालय बंद कर देंगे। जब उनका मन करेगा, फीस लेट नहीं होती तो आप लेट फीस लेते हो, 30 दिन की फीस लेते हो, आप किस लिए आज बंदी की हो। इसी के उपलक्ष्य में हम जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं कि 8 को अगर विद्यालय वालों ने बंद किया है, तो 9 को आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए। तो ये जब गिरफ्तारी हो चुकी थी, जांच प्रक्रिया मतलब चल रही थी, तो विद्यालय बंद करने की जरूरत के पीछे जो ये बुलाया गया है, बंद बुलाया गया, इसके पीछे आप क्या उद्देश्य? इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि जो उनका पैसों की फैक्ट्री वो लगाए हैं, इस पे उनको दिख रहा है कि आगे डर है, जिसकी वजह से वो बंदी करके अपने आप को उसके आड़ में रखना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि कितने विद्यालय ऐसे हैं जो एक नंबर पे सही है। आज जो नई शिक्षा नीति आ गई, उसके तहत बच्चों को मारना तो दूर, हड़काना तक नहीं है, उसके बावजूद आप बच्चे को इतना प्रताड़ित करते हैं कि बच्चे को कूदने में मजबूर होता है। ठीक है, बच्चा कूद गया, प्रिंसिपल की गलती नहीं थी, टीचर की गलती नहीं थी, लेकिन न्यायपालिका पे तो भरोसा रखना चाहिए था। आप आज ये बंदी आज आपने क्यों किया स्कूल की? आज उन्होंने बंदी बुलाया है, कल आप लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अभिभावकों से गुजारिश करें कि ना भेजें, तो इसमें नुकसान बच्चों का है, दो दिन पढ़ाई बाधित होगी, तो इस पर क्या कहना आपका? आगे भविष्य के बच्चों के लिए आज दो दिन का, एक दिन की बंदी जो है, अगर कल अभिभावक भेजते हैं तो स्कूल वालों को समझ में आ जाएगा कि हम जैसे चाहेंगे वैसे उनको मोटिवेट करेंगे, वैसे उनको न चाहेंगे। आज के डेट में कोई ऐसा अभिभावक नहीं है जो कि स्कूल से परेशान ना हो, क्योंकि शाम को जाता है तो एक लंबा खर्रा निकलता है कि कल फला चीज़ का पैसा जमा करना है, फला चीज़ का पैसा जोड़ना। कोई अभिभावक बता दिए जो स्कूल के कार्यविधि से संतुष्ट हो। स्कूल में शिक्षा को छोड़ के बाकी सब कुछ बिक रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए प्राइवेट ट्यूटर रखना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे जिले के लोगों? हम जिले के लोगों से एकमात्र यही मार्मिक अपील करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि श्रेया की जगह आपकी बच्ची या आपका बच्चा किसी इस घटना का शिकार हो। इसलिए कृपया एक दिन का सहयोग करें, 9 तारीख को अपने बच्चों को विद्यालय न भेजें। एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि उनके फ्यूचर को डार्क कर देगा। अगर बच्चा ब्राइट है तो ब्राइट रहेगा, वो किसी के बनाने और बिगाड़ने से नहीं। सपोर्ट मिल रहा है इसमें अभिभावकों का पूरा सपोर्ट। आज ये किसी को बुलाया नहीं गया, एक कोई प्लानिंग नहीं की गई। आज हमारे साथ देखिए, हमारे पीछे अभिभावकों की लाइन लगी हुई है, और हर समुदाय के लोग लगे, हर पार्टी के लोग लगे, ये किसी एक दल की वो नहीं रह गई, ये एक समुदाय की बात हो गई। कितना मानते हैं कि कल आपका जो आह्वान है स्कूल ना भेजने वाला, हमें लगता है कि 100% सफल रहेगा, क्योंकि गांव-गांव से ये आवाज़ आ रही कि भैया कल हम अपने गाँव में बस एक एक बस बच्चों को जो लेके जाते थे वो बस को हम निकलने नहीं देंगे। आज हमारे पास कितने फोन आए कि भैया आप एकदम सही काम कर रहे हैं, मेरा अपना बच्चा कोई नहीं है, सारे बच्चे जो स्कूल के वो सबके हमारे बच्चे हैं, कल इस तरह की घटना किसी को ना हो। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, और ऐसा कोई नहीं है जो गार्जियन नहीं है, आपका भी बच्चा किसी न किसी स्कूल में पढ़ता होगा, आप भी इस घटना से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।